जिन्हें बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है कि इस बच्ची पीरियड के समय में जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो इसे नेपकिन नहीं मिलता है, उसके बदले में एटेंडम पुलिस आई हुई है। ये मैटर क्या चीज का है? मैटर है, पुलिस को भी दिखाइए जरा फेस की पुलिस आई हुई है हमारे घर, पुलिस को दिखाइए कि पुलिस किस मैटर में। सर आप अभिनेता अक्षय कुमार का अभिनय बेकार गया या विधायक दीपिका पांडे की समाज सेवा निरर्थक हुई, आर बाल्की की डायरेक्शन ही गलत थी या गोड्डा जिला का सैनिटरी पैड पर बवाल सही है। पैडमैन की अवेयरनेस का अर्थ तब निरर्थक हो गया जब सैनिटरी पैड लेने पहुंची लड़की के पीछे पुलिस बल घर पहुंच गई। महीने के वो 5 दिन जब लड़कियां दर्द और झुंझलाहट में बिताती हैं, उन 5 दिनों में अपनों के सहयोग के साथ स्वच्छता की भी जरूरत होती है। विश्वास खाने की इस बेटी को घर से सहयोग तो मिलता है, भाई दुकानों में जा जाकर बहन के लिए सैनिटरी पैड लाने की कोशिश भी करता है। उपलब्ध नहीं होने की वजह से वह निराश घर लौट आता है। इसी बीच किसी के द्वारा कहा जाता है स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो जाएगा। जब लड़की अपने भाई के साथ विश्वास खानी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती है तो अंदर से ताला जड़ा पाती है। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आता। मालूम हो विधायक दीपिका पांडे ने कई बार सैनिटरी पैड का वितरण किया है ताकि लड़कियों में जागरूकता आए, वह गंदगी से बचें और स्वच्छ रहें। लेकिन उनके ही क्षेत्र में सैनिटरी पैड लेने गई लड़की को पुलिस बल का सामना करना पड़ता है। ताला अंदर से लॉक था, मैं कंटिन्यू 1 घंटे से पेट पकड़ के गेट के पास बैठ के कंटिन्यू चिल्ला रही थी कि दरवाजा खोलिए मुझे नैपकिन चाहिए, दरवाजा खोलिए मुझे नैपकिन चाहिए। अगर ताला बाहर से रहता तो मैं इतना नहीं चिल्लाती, मगर मैं कंटिन्यू चिल्ला रही थी कि मुझे मेरा ताला खोलिए। भाई को देखा नहीं गया, इसीलिए मैं भी बोली भाई देख आगे का ग्रिल खुला हुआ है। ये एक सरकार के द्वारा मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसके बाद भी सैनिटरी पैड लेने पहुंची लड़की के साथ यह बर्ताव कहां तक जायज है? सैनिटरी पैड को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। आर बाल्की के निर्देशन में अभिनेता अक्षय कुमार और सोनम कपूर ने पैडमैन फिल्म से लड़कियों को जागरूक करने की कोशिश भी की। इन सब के बाद भी सैनिटरी पैड पर पुलिस बल अचंभित करता है। खैर पुलिस का लड़की के घर आना और लड़की का इल्जाम, इन सब में क्या है पूरी सच्चाई या जांच का विषय है? एटेंडम पुलिस आई हुई है, ये मैटर क्या चीज का है? मैटर है, पुलिस को भी दिखाइए जरा फेस की पुलिस आई हुई है हमारे घर, पुलिस को दिखाइए कि पुलिस किस मैटर में। सर अब मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब मेरा पीरियड्स का डेट चल रहा था, मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, मेरे घर में मेरा छोटा भाई अवेलेबल था, बाकी सब गेस्ट घर पे मतलब थे तो वो लोग मतलब गए हुए थे, घर में शादी है ना तो वो लोग गए हुए थे, तो छोटा भाई था तो पीरियड्स में काफी ब्लीडिंग हो रहा था। तो बगल में हमारा हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है, तो जब दीदी बोला कि दीदी चलो हॉस्पिटल है बगल में, नैपकिन सैनिटाइजर मतलब वो सब आपको मिल जाएगा, हम देख के ले आते। पहले तो ये लोकल में खोजा, किसी शॉप में नहीं मिला, तो बोला चलो हाथ पकड़ के हम लेके चलते हैं, तुमको दिखाते हैं। तो जब मैं पहुंची वहां तो अंदर से ताला लॉक था। आप जो वहां पहुंची कितने बजे पहुंची थी आप? हम लगभग कितना बज रहा था, 9:30 के अराउंड जी जी हम पहुंचे थे, तो ताला लॉक था और वहां पे बोर्ड पे क्लियर। इससे पहले आप अपना नाम और गांव का हॉस्पिटल का नाम बता सकती हैं? जी मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं विश्वास खानी से हूँ और मैं यही मैटर में गई हुई थी। तो जब ये मैं वहाँ गई भाई के साथ, तो वहाँ पे मतलब गई हुई थी तो देखी कि मतलब भाई किसी की बहन है, जब उसको पेन हो रहा होगा तकलीफ हो रहा होगा तो किसी के भी भाई को लगेगा कि नहीं ये चीज होना चाहिए था। ताला अंदर से लॉक था, मैं कंटिन्यू 1 घंटे से पेट पकड़ के गेट के पास बैठ के कंटिन्यू चिल्ला रही थी कि दरवाजा खोलिए मुझे नैपकिन चाहिए, दरवाजा खोलिए मुझे नैपकिन चाहिए। अगर ताला बाहर से रहता तो मैं इतना नहीं चिल्लाती, मगर मैं कंटिन्यू चिल्ला रही थी कि मुझे मेरा ताला खोलिए। भाई को देखा नहीं गया, इसीलिए मैं भी बोली भाई देख आगे का ग्रिल खुला हुआ है। ये एक बच्ची जिसे बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है कि इस बच्ची पीरियड के समय में जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो इसे नेपकिन नहीं मिलता है, उसके बदले में यहाँ पे उनके दरवाजे पे हमारे हम देख रहे जिस तरह से हमारे लोकल हनवारा थाना से आए हुए थाना प्रभारी जी से बात करना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम
मेरा नाम मुकेश कुमार का है। जी सर, सर आप जो अभी यहाँ आए हुए, मैटर क्या चीज का है? मैटर है कि हॉस्पिटल स्टाफ लोग का कोविड का ड्यूटी लगा था नरोत्तमपुर में वैक्सीनेशन का। जी, ये कितने बजे की घटना है? ये वो 2 बजे आके आवेदन दिए कि 2 बजे राजा और उनकी बहन हॉस्पिटल में आके ताला बंद था। जी जी, हम लोग का ड्यूटी वहाँ था। जी जी, वहाँ के लोगों ने हंगामा किया और हॉस्पिटल में जो रूम है उसमें बच्चे लोग थे और उसकी बहन और जो बेटी है उन लोग के साथ गाली गलौज और धमकी दिए हैं। अच्छा, और रूम में घुस के सामान को छेड़छाड़ की। मेरी जगह कोई और भी लड़कियां हो सकती है। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉरपोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर।